Yeah. Mm -hmm. हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग ऑडियो वीडियो क्लियर है ऑडियो वीडियो क्लियर है ऑडियो वीडियो क्लियर है बताइए होप सो एवरीथिंग इज ओके यस सर यस सर चलिए ग्रेट हम लोग बात कर रहे थे कंपोजिशन स्कीम की होप्सो आपको सारे प्रोविजंस दिमाग में होंगे और हम लोगों ने बेसिक प्रोविजंस, बेसिक क्या कंपोजिशन स्कीम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग ऑल ऑफ आर प्रैक्टिकल सिचुएशन मीन्स वन टू सिक्सटीन और सेवनटीन क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे और मैंने कहा था आज हम लोग एक स्पेशल प्रोविजन करेंगे और आपको मैं बता दूं केवल एक स्पेशल प्रोविज़न नहीं चलेगा एक और स्पेशल प्रोविज़न चलेगा एक तो ये जो सर्विसेज के लिए आया है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन टेन टू ए और एक और प्रोविज़न जो हमें आप लोगों को कराना है दैट इज ऑल अबाउट द ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर जो कंपोजिशन स्कीम में चेंजेस आए हैं बहुत ही छोटा प्रोविजन है ज़्यादा नहीं है हार्डली विल टेक टेन टू फिफ्टीन मिनट्स दैट्स इट और जो हमारा मेन प्रोविजन है जो लास्ट सेशन में छूटा था या जो मैंने कहा था कि आज की डेट में हम दोनों कर, आज करवाएंगे तो आज हम दोनों प्रोविजन कवर कर लेंगे और हमारा पूरा का पूरा टॉपिक डंडनाडंडन हो जाएगा जी तो उम्मीद करते हैं अब हम स्टार्ट कर सकते हैं सारी चीजें डन है आपको ऑडियो भी क्लियर है वीडियो भी क्लियर है चिल्ल विथ के बी के बी के साथ चिल्ल करो ठीक है भाई आज हम लोग यहाँ पे चिल्ल करेंगे जस्ट चिल्ल चलिए स्टार्ट करते हैं uh, मैंने कहा था कि जो हम लोगों ने आज तक कंपोजिशन स्कीम देखी थी जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी दैट वाज ऑल अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और उसमें केवल और केवल रेस्टोरेंट की सर्विसेज इन्वॉल्व थी अगर आप सप्लायर हैं गुड्स के और साथ में रेस्टोरेंट के सप्लायर सर्विस सप्लायर हैं स यू कैन गो विद द कंपोजिशन स्कीम एज वेल अगर आप गारमेंट सेलर हैं और आप रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं यस यू कैन गो विद द कंपोजिशन स्कीम आप गारमेंट्स के सेलर हैं और आप कंसल्टेंसी फॉर्म चलाते हैं तो मैंने कहा था वहां पर आपको नहीं मिलेगा सेम पैन नंबर पर आपको नहीं मिलने वाला कंपोजिशन स्कीम जी तो ये क्या है ये हम बता रहे हैं ऐसे सप्लायर के बारे में जो सर्विसेस देते हैं स्पेशली जो सर्विस सप्लाई का भी काम करते हैं और गुड्स के सप्लाई का भी काम करते हैं यानी कि जो ऊपर वाली स्कीम जिन लोगों को नहीं मिल पाती थी द दर्सन वी आर नॉट एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट अंडर सेक्शन टेन ऑफ कंपोजिशन स्कीम नाउ दे कैन गो विद सेक्शन टेन टू ए एड कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर स्पेशली मैंने कहा स्पेशली सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्पेशली सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये बेनिफिट है लेकिन हाँ ऐसे सप्लायर ऑफ गुड्स जो गुड्स की भी सप्लाई करते हैं और सर्विसेज की भी सप्लाई करते हैं एंड दोज पर्सन वे आर नॉट एलिजिबल टू गेट देनिफिट ऑफ सेक्शन टेन नाउ दे कैन गो विथ सेक्शन टेन टू एस सर दिस इज ऑल्सो नोन एज्टरनेटिव कम्पोजिशन स्कीम इसको हम लोग अल्टरनेट कम्पोजिशन स्कीम भी बोलते हैं या कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल टू द सर्विस सप्लायर या कंपोजिशन स्कीम टू दोज हु आर नॉट एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट अंडर सेक्शन अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ये हम लोग बोल सकते हैं क्या है इस प्रोविजन में जरा ढंग से देखें कहा गया भाई अब अगर आप सर्विस सप्लायर है ना आपकी प्रीसीडिंग ईयर में जो सप्लाई होनी चाहिए ना 50 लैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एग्रीगेट टर्न आपका जो कैलकुलेट किया था हम लोगों ने वो 50 लैक्स से अधिक नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल पचास लाख से ज्यादा का एग्रीगेट टर्न नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अगर ना नॉर्मल ना। प्रोविजन में वन पॉइंट फाइव करोड़ कहा था अरे बाबा अब हम चेंज कर रहे हैं ना अब हम फिफ्टी लैक्स पर आ गए सर्विस सप्लायर केस में के अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपकी

तो आप आगे चलकर देखेंगे कि इसके ऊपर वो सारे के सारे प्रोविजन लग रहे हैं जो कंपोजिशन स्कीम के ऊपर लगते हैं लेकिन यहां पर 1.5 करोड़ को हटा करके 50 लैक्स कर दिया गया है दैट्स इट दिस इज द फर्स्ट थिंग यू आर नीडेड टू इन योर माइंड इतना ही आपको दिमाग में रखना है अच्छा <coughs> मैंने आपको बताया ना थ्री परसेंट सीजीएसटी और थ्री परसेंट एसजीएसटी देना पड़ता है थ्री परसेंट सीजीएसटी एंड थ्री परसेंट एसजीएसटी अगर आपका टर्न ओवर अपू तक है तो आपको थ्री परसेंट सी जी एस टी और एस जी एस टी ही देना पड़ेगा तो यहां पर सर्विस सप्लायर के केस के में सिक्स परसेंट उसमें कमाई ज्यादा होती है सर्विस सप्लायर का जो आ, मार्जिन होता है वो ज्यादा होता है तो इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट ने कहा मेरा मार्जिन भी ज्यादा कर दो सिक्स परसेंट कर दो ठीक अच्छा अगर किसी बंदे ने मान लीजिए कंपोजिशन स्कीम में गया है और उसकी सप्लाई अभी तक ठीक है रेट ऑफ़ प्लस मान लीजिए को क्रॉस कर गई इसी साल तो अपू रुपीज फिफ्टी लैक्स यस ही कैन गेट द बेनिफिट एज एट द रेट ऑफ सिक्स बियॉन्ड दैट ही नॉर्मल स्कीम नॉर्मल प्रोविजन जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है और अगर इस साल पचास लाख से ऊपर चला गया तो बट ऑबियस है अगले साल उसको कंपोजिशन स्कीम तो इस सेक्शन में वैसे भी नहीं मिलनी गॉट इट और नॉट यस सर गॉट इट द आर एज कंडीशनोज सब चीज हो गई बस इतना सा ही पॉइंट था एक दो तो नई चीज आएंगी तो मैं बता दूंगा अदरवाइज हमें नहीं लगता जो हम चीजें बताने जा रहे हैं वी हैव डन ऑल दो अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ कंपोजिशन स्कीम द एग्रीगेट टर्न ओवर इन द प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड फिफ्टी लैक्स सर मालूम है रजिस्टर्ड पर्सन शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर द नॉर्मल प्रोस दूसरी बार क्यों बोल रहे हैं ही शुड नॉट बी इंगेज इन इंटरस्ट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाइज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इंटरस्टेड सप्लाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए सर यही बात आपने वहां बोली थी तो वही चीज तो मैंने कहा सेम रहेगी ही इज नीदर अ कैज टैक्सीबल पर्सन औरबल पर्सन सर वही वाला तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे तो मैंने तो कहा कि कुछ नया आएगा आएगा तो मैं बता दूंगा ई कॉमर्स ऑपरेटर में नहीं होना चाहिए सर वही चीज है कॉपी एंड पेस्ट कर दिया आइसक्रीम पान मसाला एंड टोबाको प्रोडक्ट और, और एरिएटेड वाटर में नहीं होना चाहिए सर पहले भी आप बता चुके हैं द टर्न ओवर ऑफ फिफ्टी लैक्स विल भी टैक्सीबल ऑन हैविंग इनकम ऑफ टैक्स सेम पेन नंबर के हिसाब से लेंगे सेम पैन नंबर और इसका एग्जाम्पल हमने आपको काफी ज्यादा दे दिए सर कुछ तो नया बताइए ही शुड नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर भाई ये भी हो गया था शेल नॉट इश्यू बिल ऑफ इश्यू बिल ऑफ सप्लाई नॉट दिन में अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम में, सर्विस सप्लायर के ऊपर वैसे ही लगेंगे जैसे कि नॉर्मल प्रोविजन लगते थे हा, हाँ वहां पर टर्न ओवर वन पॉइंट फाइव करोड़ था यहाँ पर आपका फिफ्टी लैक्स है सर और बिल ऑफ सप्लाई आपको देनी पड़ेगी और हेडिंग में लिखना पड़ेगा जी इन द केस ऑफ पर्सन कमेंसिंग फ्रेड सप्लाई दे विल बी एलिजिबल फॉर एक्जेमशन टू ट्वेंटी एंड फिफ्टी ठीक है फोर्टी तो लैक्स ये हम लोग देखेंगे आगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में थ्रेशल्ड लिमिट क्या है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ये आपके सामने फॉर्म दिए हुए हैं ये आपके सामने क्वेश्चन हैं हमने क्वेश्चन नंबर सेवनटीन तक होप सो so या सेवनटीन तक कर लिया था याद हो आप लोगों को यस yes, सिक्सटीन तक कर लिया था स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की बात करते हैं नंबर कंपनी, अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल एंड सर्विसेज, रजिस्टर्ड जी एस टी लॉ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गिविंग यू द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द लास्ट ईयर ओके पिछले साल का हमको डिटेल दे रहा है सर्विस सप्लायर का है टैक्सेबल सर्विस भी देता है और एक्जेप्ट सर्विस भी देता है टैक्सेबल सर्विस भी देता है और एग्जेम्ट सर्विस भी सप्लाई करता है इंट्रा स्टेट सप्लाई ठीक है आउटपुट सर्विस अच्छा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेपेड मैंने कहा था ना टैक्सेबल सर्विस हो एग्जेप सर्विस हो कोई फर्क नहीं पड़ता वो भी आप काउंट कर लीजिए सर इंटरेस्ट और डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अलाउन एडवांस को आप हटा चुके हैं हंड्रेड परसेंट एग्जाम है वो एग्रीगेट टर्न में शामिल नहीं होगा किसी भी तरह से इसको भी यहाँ से गायब कर दीजिए तो कहने का मतलब ये हुआ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इसका टर्नओवर है एग्जैक्ट फिफ्टी लैक्स तो क्या ये जा सकता है इस साल कंपोजिशन इसके अल्टरनेट कंपोजिशन में यस सिंप्लीफाइड कंपोजिशन स्कीम में यस yes. क्योंकि 50 लाख से ज्यादा उसका एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है प्रीवियस ईयर का तो इस साल देखा जाए क्या है हिसाब इस फर्स्ट क्वार्टर का बता रहा है इस फर्स्ट क्वार्टर का नए साल में फर्स्ट क्वार्टर का बता रहा है टैक्सेबल सर्विसेज का टू और एग्जेप्टेड सप्लाई की सप्लाई है आठ इंटरेस्ट को मारो गोली टोटल सप्लाई उसकी हो गई इस साल की दस और टेन का आपको मालूम है थ्री परसेंट सी लगता है और थ्री परसेंट एस जी एस टी लगता है हाँ। इसको आप हटा क्यों नहीं रहे को ना ना बाबा मैंने बताया था ना गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो एग्जेम सप्लाई कर रहे हो टैक्सेबल गुड्स की सर्विस सप्लाई दे रहे हो या था टैक्सेबल गुड्स की सर्विसेज दे रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या एग्जेम गुड्स uh, की सप्लाई कर रहे हो टैक्सेबल uh, सर्विसेज की सप्लाई कर, कर रहे हो या एग्जम्प्ट सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो माय बैड स्लिप ऑफ टंग तो कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट कहती है आप हमें ना थ्री 3% सीजीएसटी एंड थ्री 3% एसजीएसटी दे दो इट हमें उससे ज्यादा कुछ भी आपसे नहीं चाहिए दिस इज योर आंसर यस 10 लाख का 33% आ गया दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए मिस्टर सीताराम मैंने ये आपको पीडीएफ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी ये पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मिस्टर सीताराम इज रनिंग अ कंसल्टिंग फर्म एंड आल्सो अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम रजिस्टर्ड इन सम सेम पैन टर्नओवर ऑफ द शोरूम इज सिक्सटी लाख एंड रिसीट ऑफ कंसल्टेंसी फर्म गारमेंट सप्लायर भी शायद ये क्या है रेडीमेड गारमेंट सप्लायर है गारमेंट सप्लायर भी है एज वेल एज कंसल्टेंसी फर्म भी है और गारमेंट गार्मेंट के केस में इसका टर्नओवर है सिक्सटी लैख और ट्वेल्व लैख है कंसल्टेंसी का सर आपने ना पहले ही मना कर दिया था कि ये नॉर्मल कंपोजिशन में तो नहीं जा सकता नॉर्मल सेक्शन टेन वन के कंपोजिशन में नहीं जा, नहीं, जा नहीं, जा नहीं जा सकता नहीं जा सकता नहीं जा सकता और नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकता क्योंकि वो गुड्स की भी सर्विसेज दे रहा है गुड्स की भी सप्लाई कर रहा है सॉरी गुड्स की भी सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज की भी सप्लाई कर रहा है दोनों की सप्लाई कर रहा है गुड्स की भी सप्लाई दे रहा है और सर्विसेज की भी सप्लाई दे रहा है हाउ इट इज पॉसिबल टू गो विद द नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम एक्सेप्ट द रेस्टोरेंट सर्विसेज तो ये रेस्टोरेंट नहीं ना है ये तो कंसल्टेंसी है कैन ही गो विद नॉर्मल स्कीम नो तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेन वन में नहीं जा सकता आपका पहला आंसर दूसरा क्या वो अल्टरनेटिव स्कीम में जा सकता है अरे बाबा फिफ्टी लैक्स को क्रॉस कर गया ना कैसे जाएगा वहां पर भी नहीं जाएगा इस सीताराम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन नो क्योंकि वो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है वेदर इट इज पॉसिबल फॉर सीताराम टू ऑफ फॉर कंपोजिशन ओनली पॉ शोरूम ना बाबा ना आप एक पैन नंबर से जितने भी बिजनेस करेंगे या तो सारे के सारे कंपोजिशन में आएंगे या तो सारे के सारे कंपोजिशन में नहीं आएंगे दो तो में से एक जगह जाना है आधा आधा वाला गेम नहीं होगा को 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 को, को नहीं होगा रीवर्क करें इफ सीताराम इज रनिंग अ रेस्टोरेंट एज़ वेल एज़ रेडीमेड गारमेंट शोरूम रेस्टोरेंट के साथ गारमेंट चल जाएगा ओहो हाँ। सप्लायर ऑफ गुड्स एज़ वेल एज़ रेस्टोरेंट काम चल जाएगा मैं बता चुका हूं काम चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यस वो जा सकता है क्या लिखा है हां जा सकता है बिल्कुल एलिजिबल है कोई दिक्कत नहीं है भाई

यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत आई मुझे लगता है अब तो ये बच्चों का खेल हो गया है और आने वाले पंद्रह मिनट बाद जब ये सेशन आपका खत्म होगा ना कम्पोजिशन स्कीम वैसे ही डंडन आ डन, डन, डन जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे बन गए लगभग लगभग और जितने स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की वो भी सारी की सारी कंप्लीट है अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताएं नहीं तो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जो आपका राइट है आप उस राइट को यूज कर सकते हैं जी आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आएगी अभी तक तो किसी ने कोई कमेंट नहीं किया चलू मैं आगे आगे चलू चलिए मिस्टर एच रजिस्टर्ड इन हैदराबाद हुई सेलिंग गुड्स फ्रॉम तेलंगाना टू तमिलनाडु इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हैं भाई साहब टर्नओवर ऑफ मिस्टर एच इज सेवेंटी थ्री लैक इन द प्रीवियस ईयर क्या इंपोजिशन में जाएगा नहीं नहीं करिएज आप, सारी सारी आप कहाँ से कर रहे हैं वी आर नॉट कंसर्न विद मैंने अभी तक ऐसा कौन सा वर्ड बोल दिया मैंने अभी तक ऐसा कौन सा वर्ड बोला जिसमें मैंने ये बोला हो कि आप परचेज नहीं कर सकते फ्रॉम एनी वेयर but at the time of the supply you are needed to make your supply only in the same state this is the basic restriction aap interstate supply na kar paaye inward purchase aap kahin se bhi kare you are free for that okay question number 20 dekhte hain हो गया ये भी करवा दिया है normal scheme का ही है कि अगर 49 lakhs ,00 है preceding year में composition scheme आया इस साल टर्न ओवर डेढ़ करोड़ हो गया तो ठीक है अगर डेढ़ करोड़ हो गया तो भैया आपको वापस जाना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा आपको सी एम पी ज़ीरो फोर सात दिन के अंदर भरना पड़ेगा आप टर्न ओवर अट्ठारह फरवरी को डेढ़ करोड़ क्रॉस कर गया तो सात दिन के अंदर यानी ट्वेंटी फिफ्थ फेबररी तक आपको कंपोजिशन स्कीम से बाहर आना पड़ेगा सी एम पी जीरो फोर भरना पड़ेगा आपको नोटिस आ सकती है कोई दिक्कत नहीं है आप आई टी सी जीरो थ्री फॉर्म भरेंगे कोई दिक्कत नहीं दैट इज द कंप्लीशन ऑफ आर नॉर्मल प्रोविजन ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर और ये है आपका नया अमेंडमेंट और इसका पी डी एफ अभी शेयर कर दूंगा आपको एज एंड मेन द क्लास विल ओवर आई विल शेयर ऑल दिस पी डी दे आए दुरुस्त आए ये पीडीएफ डी अभी आपको शेयर कर दूंगा चिंता ना करें लेकिन हाँ बहुत ही छोटा पीडीएफ है मुश्किल से टेन टू ट्वेल्व लाइन्स है बेसिकली है क्या कि जितनी भी ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं जो इंटरलॉकिंग वगैरह बनाती हैं नॉर्मल ब्रिक्स बनाते हैं फॉसिल मिल्स ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर ए, अर्थ से रिलेटेड जो बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए जाते हैं वो सारी चीजें जो आपकी बिल्डिंग को सिविल स्ट्रक्चर को खड़ा करने में हेल्प करते तो कहा गया कि ये कंपोजिशन स्कीम उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो गई ओके अभी तक हम लोगों ने देखा सर वन परसेंट का कंपोजिशन स्कीम का रेट ठीक है फाइव परसेंट का कंपोजिशन स्कीम का रेट ठीक है और उस केस में डेढ़ करोड़ वन पॉइंट फाइव करोड़ की लिमिट ठीक है सर उसके बाद हम लोग आए थे और आईटीसी नहीं मिलेगा आज हम लोगों ने देखा सर्विस सप्लायर पर थ्री परसेंट सी जी एस टी थ्री परसेंट एस जी एस टी यानी कि सिक्स परसेंट का जीएसटी रेट ठीक है टर्नओवर 50 लाख तक फाइनेंशियल ईयर में वो भी ठीक है आईटीसी नहीं मिलेगी अब जानते हैं क्या हुआ है 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 ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक मारा गया ठीक है। है ना कारीगरी की गई है गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट ने कहा भाई खूब कमाते हो भाई उनकी उनकी जो नजरिया है मैं वो बात कर रहा हूं गवर्नमेंट ने कहा कि एक आप चूंकि जमीन से मिट्टी निकलती है और आप लीज पर लेते हैं कोयले ब्रिक्स नि, निकालते चले जाते हैं कोई प्रॉपर हिसाब नहीं रहता इसके पहले भी आप जब वैट में थे कंपोजिशन स्कीम आपको मिलती थी टैक्स इवेजन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं था कोई भी काम तो गवर्नमेंट ने इनको कहा भाई अब हम आपसे जो टैक्स रेट लेंगे दैट इज योर थ्री परसेंट थ्री परसेंट सिक्स परसेंट ठीक है सर ये जो सर्विस सप्लायर के बराबर का है बिल्कुल ठीक है सिक्स परसेंट यहाँ पर भी आ गया लेकिन जो आश्चर्य वाली बात है ना यहां पर थ्रेसोल्ड लिमिट कितनी रखी गई है जरा सोचिए सबसे कम ट्वेंटी लैक्स ट्वेंटी लैक्स मैं फिर बोलूं जो नॉर्मल थ्रेश लिमिट है वो फोर्टी लैक्स है जो नॉर्मल थ्रेश लिमिट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी हम पढ़ेंगे वो फोर्टी लैक्स है

टू गेट एनी आई टी सी फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्स तो बीस लाख के ऊपर इन लोगों को बोला गया है और जब भी ये बीस लाख को ऊपर क्रॉस करेंगे वो इस स्कीम में आ जाएंगे और इस स्कीम के तहत वो टैक्स पे करेंगे सिक्स परसेंट के हिसाब से और आईटीसी नहीं ले पाएंगे कितना नहीं क्या नहीं ले पाएंगे आईटीसी नहीं ले पाएंगे लेकिन अगर वो आईटीसी में जाना चाहते हैं तो वो अपना 12 परसेंट टैक्स दे दें और आईटीसी अवेल कर ले 12 परसेंट टैक्स दे दें आईटीसी अवेल कर लें 6 परसेंट टैक्स दे दें आईटीसी बिल्कुल नहीं मिलने वाली क्लियर दैट्स इट और यहां पर मैंने अर्लियर प्रोविजन दिए हैं आपके रेफरेंस के लिए मैं फिर पढ़ देता हूं manufacturer of brick including building brick brick of fossil mills fossil mill, or similar siliceous earth earthen or roofing tiles and fly ash bricks and blocks gst rate 6 percent bricks cleanse can opt for a composition scheme and pay gst at 6 percent without any itc with effect from 1st april 22 Business not availing to opt for the composition scheme will be subjected to pay GST as at the rate of 12% with having the benefit of ITC. That is so simple. Now the threshold limit is reduced to 20 lakhs here in this case. That's it. Earlier provision क्या था? 40 लाख का था, डेढ़ करोड़ तक उनको कोई टैक्स नहीं, एक 1% का टैक्स देना पड़ता था. और उसके बाद वो 5% का नॉर्मल टैक्स देते थे, ITC अवेल करते थे. सोचिए. पांच परसेंट का टैक्स देते थे आईटीसी अवेल करते थे अब बारह परसेंट का टैक्स दो तब आईटीसी अवेल करो और नहीं तो सिक्स परसेंट का नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा आपको कंपोजिशन स्कीम में ठीक है ना दैट इज डन डन ये जो लिमिट है ना ये ब्रिक्स वालों के ऊपर है ये आप आ, कौन पूछ रहा है राघव ये ठीक है और ये कब से आया है फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी टू से आया है बहुत ही छोटे प्रोविजन हैं ज्यादा ताम झाम नहीं है बाकी सब नॉर्मल प्रोविजन ही है होप सो वी आर वेरी मच वेरी मच क्लियर विद ऑल दीज पॉइंट्स एंड वी हैव डन दिस वन चैप्टर नेक्स्ट सेशन में अब आपका जो सेशन चलेगा सीधे मंडे को चलेगा और वो सेशन थोड़ा लंबा होगा ठीक है ना हम जो उस सेशन में देखेंगे आप लोग सीखेंगे जीएसटी कॉम्प्यूटेशन क्या सीखेंगे ठीक है मंडे से हम लोग उसी स्कीम पर चलेंगे जीएसटी कॉम्प्यूटेशन पर और होप सो उसमें दो सेशंस लग जाएं तीन भी लग सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है टू टू थ्री सेशंस लग जाएंगे लेकिन ये सेशन थोड़े लंबे चलेंगे आपके वन एंड हाफ आवर के आसपास चलेंगे चलेंगे बोलिए टाटा बोल सकते हैं हो गया खत्म आज आज की मुलाकात बस इतनी और अब जो नेक्स्ट सेशन चलेगा मैं फिर बोल देता हूँ मंडे को चलेगा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर दें इस नंबर पे या कॉल कर दें या व्हाट्सएप कर दें टाइट सेट या अगर आप आप, आप अपने आप को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले पीडीएफ वगैरह मिलते रहें पी वगैरह मिलते रहें आपको प्रॉपरली तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर वो भी आपको मिलते रहेंगे क्लास स्टार्ट होने के पहले टाटा बोलें मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये पीडीएफ अभी शेयर करने जा रहा हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक्स अलॉट बच्चों थैंक यू